आपकी लोकेशन में BSNL के टावर, BSNL की रेंज, ठीक है, आपके शहर या गांव में है या नहीं, आप अगर पता करना चाहते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे गांव, शहर या फिर हमारी लोकेशन में जो है BSNL के नेटवर्क, BSNL के टावर हैं या नहीं? हैं तो फिर कौन से टावर हैं? 2G हैं, 3G, 4G या फिर 5G हैं, या फिर कोई से भी नहीं है? तो बहुत आसान सा तरीका है, चेक करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है BSNL नेटवर्क चेक। इस तरीके से आप लिख देंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, और पहली वेबसाइट आपको मिलेगी NPREF स्पीड टेस्ट, देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट का एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने से पहले इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट की एक ऐप भी है, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से कट कर सकते हैं, लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तरीका समझ लीजिए कि तरीका क्या होने वाला है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये देखिए नीचे यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं इस तरीके से। अगर आपको, जब आप चेक करेंगे, अगर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है तो नो सिग्नल है, कोई भी नेटवर्क नहीं है। इस तरीके का कलर दिखेगा, जैसे यहाँ पे कलर है तो 2G नेटवर्क है, अगर इस तरीके का दिखेगा 3G है। तो इसी तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब चेक कैसे करेंगे? आप अगर इंडिया से हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं इस पर क्लिक करना और कंट्री सेलेक्ट कर देना। तो छोड़िए, यहाँ पे मैं तो अपने इंडिया से ही हूँ, आई लव माई इंडिया, तो इंडिया में मैं चेक करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे साइड में कैरियर लिखा हुआ है तो कैरियर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मैं बता दूँ भाई, BSNL के अलावा भी आप सभी नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। जियो मोबाइल भी चेक कर सकते हैं, VI के भी चेक कर सकते हैं, एयरटेल के भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी उस कंपनी का नेटवर्क आप चेक कर सकते हैं अपने लोकेशन में, अपने गांव क्षेत्र में, ठीक है। तो मुझे यहाँ BSNL का करना है तो BSNL पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्च बार दिखा हुआ मिल रहा है। वैसे तो पूरी इंडिया का मैप आपको मिल जाएगा, जिस लोकेशन को भी आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारे मैप में भी आप टोटल देख सकते हैं। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर जो पैलेस के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना लोकेशन का नाम यहाँ पे डाल देना, अपने गांव, शहर या फिर अपना पिन कोड डाल देना। तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना पिन कोड। जैसे मैंने पिन कोड डाल दिया तो मेरी लोकेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपकी लोकेशन का मैप खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी लोकेशन का एक मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थोड़ा लाइट रेड कलर दे रखा है और एक ग्रीन कलर दे रखा है। तो यहाँ पे आप समझ लेना, देखिए लाइट रेड और ग्रीन कलर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे देखिए ये रे दो कलर, 3G पे क्लिक, यहाँ पे 3G का है लाइट ग्रीन और यहाँ पे जो है 4G भी है लाइट रेड। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीन और रेड है। तो आप समझ जाना कि आपकी लोकेशन में ये सिग्नल अवेलेबल है जो अभी नीचे यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप चेक करेंगे आपकी लोकेशन में कौन सा यहाँ पे नेटवर्क है।